टीवी इंडस्ट्री का सबसे विवादित शो बिग बॉस का 14 सीजन सलमान खान जल्द ही लाने वाले हैं। खबरें हैं कि सितंबर के महीने में शो का आगाज हो सकता है। जब से ये खबर आई है तब से शो के फैंस ये जानने के लिए उत्सुक है कि इस बार शो में कौन कौन से स्टार्स उन्हें देखने को मिलेंगे। अभी कुछ दिनों पहले ही कई बड़े और फेमस टीवी सेलेब्स को बिग बॉस 14 का कंटेस्टेंट बनने के लिए ऑफर किया गया था, पर ऐसा लगता है कि कोई शो का हिस्सा ही नहीं बनना चाहता, क्योंकि ज़्यादातर टीवी स्टार्स ने बिग बॉस 14 का कंटेस्टेंट बनने का ऑफर को तुरंत ही ठुकरा दिया है। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको उन्हीं सितारों से रूबरू कराने वाले हैं जिन्होंने बिग बॉस 14 का ऑफर ठुकरा दिया है। तो आइए जानते हैं कौन से हैं वे सितारे। नंबर एक, अध्ययन सुमन। शेखर सुमन के हैंडसम बेटे अध्ययन सुमन को बिग बॉस 14 का कंटेस्टेंट बनने के लिए अप्रोच किया गया था, पर इन्होंने इस ऑफर को ठुकरा दिया और ट्वीट कर इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि अगर ये दुनिया का अंत होता और बिग बॉस आखिरी जगह होती, मैं वहाँ फिर भी नहीं जाता, इतनी बकवास जगह है बिग बॉस। नंबर दो, राजीव सेन। एक्ट्रेस चारू असोपा के पति और सुष्मिता सेन के भाई राजीव सेन को भी बिग बॉस 14 का ऑफर मिला था, पर इन्होंने शो के मेकर्स को सीधा ना कह दिया, क्योंकि इन्हें बिग बॉस की रियलिटी अच्छे से पता है कि वहाँ क्या होता है, और ये पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि इन्हें पिछले साल भी बिग बॉस का ऑफर मिला था, पर जब भी इन्होंने ना कहकर इस शो के ऑफर को ठुकरा दिया था। नंबर तीन, कुलदीप सिंह। विघ्नहर्ता गणेश शो के अभिनेता कुलदीप सिंह से भी बिग बॉस 14 के लिए संपर्क किया गया था, पर कुलदीप ने शो के ऑफर को ये कहते हुए ठुकरा दिया कि इस तरह के रियलिटी शो इनके अभिनय करियर को जोखिम में डाल सकता है और ये इस बकवास शो का हिस्सा बनकर अपने करियर के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहते। नंबर चार, चाहत खन्ना। बड़े अच्छे लगते हैं शो से फेमस हुई एक्ट्रेस चाहत खन्ना का नाम लगातार बिग बॉस 14 के कंटेस्टेंट के रूप में सामने आ रहा था कि ये सीजन का हिस्सा बन सकती हैं, पर इन्होंने भी इस ऑफर को ठुकरा दिया, क्योंकि इनका मानना है कि ये बिग बॉस जैसे लड़ाई झगड़े वाले शो के लिए बने ही नहीं है। नंबर पाँच, शुभांगी अत्रे। भाभी जी घर पर है कि अभिनेत्री शुभांगी अत्रे ने पिंक विला से बात करते हुए बताया कि इन्हें भी बिग बॉस 14 का कंटेस्टेंट बनने के लिए अप्रोच किया गया था, पर इन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि एक शांति प्रिय लड़की है और ऐसे किसी भी शो में जाकर ये लड़ाई झगड़े नहीं कर सकती है। साथ ही ये अभी भाभी जी घर पर है शो के साथ बिजी है और इस शो को छोड़ना भी नहीं चाहती है। नंबर छः, सुरभि ज्योति। सुरभि ज्योति को पिछले 2-3 सालों से बिग बॉस का कंटेस्टेंट बनने के लिए ऑफर आते रहे हैं, पर इन्होंने हर बार उन्हें ना कहा और हर बार की तरह बिग बॉस 14 के लिए नागिन 3 अभिनेत्री से संपर्क किया गया था, पर हर साल की तरह इन्होंने इस रियलिटी शो के लिए ना कहा और ऑफर को ठुकरा दिया। नंबर सात, तेजस्विनी प्रकाश। खतरों के खिलाड़ी 10 के बाद तेजस्विनी प्रकाश को एक और रियलिटी शो बिग बॉस 14 के लिए कॉन्टैक्ट किया गया था, पर इन्होंने इस ऑफर को ठुकरा दिया, क्योंकि ये अभी इस तरह के फिक्शन शो करने के मूड में नहीं है। ये टीवी इंडस्ट्री में केवल अभिनय करने आई है और वही करेंगी, ऐसे लड़ाई झगड़े वाले शो से ये दूर रहना चाहती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इन सभी टीवी स्टार्स ने बिग बॉस 14 का ऑफर ठुकरा कर ठीक किया या नहीं? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी खबरों को सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।